भारत की पहचान बनाने के लिए ये भी एक अवसर है। हम अपने आप को कोसते रहकर के कहें दुनिया हमें स्वीकार करे, ये कभी संभव नहीं होता है। हम घर में बैठकर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे, तब जाकर के दुनिया हमें स्वीकार करे। अगर आप अपने बच्चों को घर में नहीं स्वीकार करते हो और चाहोगे मोहल्ले में बच्चा स्वीकार करे, कोई स्वीकार करे, कोई स्वीकार नहीं करता, दुनिया का नियम है। और इसलिए हमें इस बात को करना चाहिए। श्रीमान मनीष तिवारी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई भगवान की कृपा है तो कोरोना में हम बच गए। मैं इस बात से जरूर कुछ कहना चाहूंगा, ये भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई, हम बच गए, भगवान की कृपा। क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो नर्स भगवान का रूप बन के आए थे, क्योंकि वो डॉक्टर वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे, 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए थे। हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था, लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मदार वहां जाकर के उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था, भगवान का रूप ये सफाई कामदार के रूप में आया था। कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता था मैं जिसको लेके जा रहा हूं कोरोना पॉजिटिव है, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था हजारों हिंदू। और इसलिए भगवान का रूप ही था जिसने हमें बचाया, लेकिन भगवान अलग अलग रूप में आया था, और जितनी हम उनकी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरवगान करेंगे, देश की सफलता का जितना गौरवगान करेंगे, हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। कई कारणों से जिन लोगों के भीतर निराशा फैल चुकी है, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए 130 करोड़ देशवासियों के इस पराक्रम को याद कीजिए, आपके अंदर भी ऊर्जा आ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना काल एक ऐसा कसौटी का काल था जिसमें सच्ची कसौटी तब होती थी जब संकट होता है, सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। दुनिया बड़े बड़े देश, कोरोना में जो हुआ वो तो है, लेकिन उन्होंने हर एक ने तय किया कि वे अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुंचाएंगे ताकि इस संकट की घड़ी में उनके नागरिकों को मदद मिले। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना लॉकडाउन, कर्फ्यू, आशंका, इस वातावरण के कारण चाहते हुए भी खजाने में पाउंड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाए। बैंक बंद, पोस्ट बंद, व्यवस्थाएं बंद, कुछ नहीं कर पाए। इरादा था, घोषणाएं भी हुई, ये हिंदुस्तान है कि जो इस कोरोना कालखंड में भी करीब करीब 75 करोड़ से अधिक भारतीयों को राशन पहुंचा सकता है, 8 महीने तक राशन पहुंचा सकता है। यही भारत है जिसने जनधन, आधार और मोबाइल के द्वारा 2,00,000 करोड़ रुपया इस कालखंड में
लोगों तक पहुंचा दिया। और दुर्भाग्य देखिए, जो आधार, जो मोबाइल, ये जनधन अकाउंट इतना गरीब से काम आया, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। मैं कभी कभी हैरान हूं, और आज मैं इस बात को बार बार बोलूंगा, अध्यक्ष जी मुझे क्षमा करना, मुझे एक मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस हसन में कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले लोग इस कोरोना कालखंड में, उनको धन मिले, उनके पैसे मिले, ये उनके लिए किया गया और हम कर पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी अर्थव्यवस्था इस कालखंड में भी हमने रिफॉर्म का सिलसिला जारी रखा, और हम इस इरादे से चले कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, डे वन से अनेक विधि से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए, और इसका परिणाम है आज ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है, ये दिखाई दे रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है, ये हम दिखता है। और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने ये अनुमान भी लगाया है कि करीब करीब दो डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य होगा, दो डिजिटल ग्रोथ की संभावनाएं सभी पंडितों ने कही है, और मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी, मुसीबतों के बीच से भी, देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा।